अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये रात का टाइम है, मैं खाना बना रही सिलेंडर में। मैंने कहा अपने बेटे से, बेटा देखो गैस आ रही है या नहीं। उसने चूल्हा जलाकर देखा तो गैस तो आ नहीं रही, तो मजबूरन में सिलेंडर में रात में खाना बना रही। अब ये है सुबह का टाइम। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नाश्ता बना रही ताकि मैं बच्चों को दे दूँ। मैंने पेड़े बना लिए, अब मैं पराठे बनाकर तवा में डाल दिए। आज जल्दी करूँगी तो ये पराठे जल जाएंगे, आ कम करूँगी तो जल्दी बनते नहीं ये पराठे, तो मैं इसी में पराठे बना लूँगी और खाने भी बहुत आराम आराम से बनते हैं। पराठे बना लिए, अब मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। और अंडे भी अच्छे से नहीं पकते, कहीं तो जल जाते हैं और कहीं पे कच्चे रह जाते हैं। और यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। टमाटर की चटनी बहुत मज़े की लगती है, रोटी या चावल के साथ खाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पे हम सब ने नाश्ता कर लिया और ये हो रहा था दोपहर का टाइम। अब दोपहर का टाइम में चने की दाल और तुरई का सालन में बनाऊंगी। दो प्याज को मैंने कट कर लिया, कट करके अब मैं हैंड ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ। आइए, मेरा बहुत पुराना ग्राइंडर है, मैं पहले से ला के रखी हुई थी पर यूज़ नहीं करती थी। एक कप मैंने चने की दाल चढ़ा दी चूल्हे पर, प्याज और टमाटर, दो टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया। इसे मैंने दो बार अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में मैंने एक कप से कुछ कम तेल ऐड कर दिया। जब तेल गर्म हो गए तो मैं इसमें मसाले ऐड कर दिए। इसमें मैंने अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया। एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया। इसे डाल के से अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह भून जाए। ये चार तुरई हैं, तुरई को मैंने छिला छिलकर कट करके रख लिया। तुरई को मैंने पहले से धो लिया, धो करके कट करके रख लिया। तो यहाँ पे मैं मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी और भूनने के बाद सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। आधे चम्मच मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया, आधे चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधे चम्मच से ज़्यादा मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया और आधे चम्मच हल्दी और एक चम्मच धनिया और आधे चम्मच चाट मसाला। और इन मसालों को मैं डाल के इसे अच्छी तरह भूनूँ और घर के सारे मसाले इसमें ऐड करती हूँ। अब मैं सारे मसाले डाल के इसे ढक दी चलाकर। अब मैं इसे भून रही हूँ अच्छी तरह। बच्चे तुरई तो खाते नहीं है इसलिए मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। यहाँ आधे प्याले से ज़्यादा मैंने दाल उबाल लिया था। अब मैं मसाले को अच्छी तरह भून रही हूँ। जब मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी और इसका तेल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसमें तुरई ऐड कर दूँगी। मैं सारे तुरई को डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक दूँगी। जब मैं लीड हटाकर देखी तो तुरई ने अपना पानी छोड़ दिया और तुरई अपने पानी में गल गए। तो मैं इसमें नमक ऐड कर दी। मुझे नमक कम लगा तो मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। मैं इसे चलाकर ढक दूंगी कुछ देर के लिए। मैंने तुरई में पानी ऐड नहीं किया, तुरई ने अपना पानी छोड़ दिया, वो अपने ही पानी में गल गए। अब यहाँ पे मैं तुरई को अच्छी तरह भून कर इसमें दाल ऐड कर दी। अब मैं दाल डाल कर इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि तुरई और दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए और भून भी जाए। जब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं धनिया पत्ता बना रही हूँ। धनिया के पत्ते अलग करके रख दूँगी और इसे धोकर मैं इसमें ऐड कर दूँगी सालन में। और एक टमाटर, छोटे से साइज़ के टमाटर लेकर उन्हें स्लाइस के तौर पर काट लिया और काट करके इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पर हमारा सालन तैयार है। तो मैं धनिया पत्ता और हरी मिर्च से गार्निश कर दी। मैंने सोचा कि हमारा तो सालन तैयार है, क्यों नहीं बैंगन का भुर्ता बना लूँ। एक बैंगन लेकर मैंने अच्छी तरह धो लिया और धोकर इसे बीच से कट कर लिया। और कट करने के बाद मैं इसमें बीच में थोड़ा सा चीरा लगाकर इसमें लहसुन ऐड कर दी। अब मैं इसे ढक दूंगी कुछ देर के लिए। इसे हर थोड़ी देर के बाद इसे चेक करती रहें और इसे अलट पलट करती रहें। इसे आप चूल्हे पर भी भून सकते हैं। अब बैंगन को मैं अलट पलट कर रही हूँ कुछ देर के बाद। हर 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ बैंगन का क्या हाल है। कुछ बैंगन गल गए हैं और कुछ बैंगन नहीं गले हैं, तो मैं दोबारा इसे ढक दूंगी। आप मेरे तरीके से ये बैंगन का भुर्ता बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की। अब यहाँ पर मैं चेक करी तो देखा कि अमान बैंगन पक गए, तो मैं इसे चूल्हे से उतारी और उतार के इसे छील करके इसे मैश कर लूँगी। एक टमाटर को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया और एक प्याज को, दरमियाने साइज के प्याज को इसे मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया और एक हरी मिर्ची को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। अगर आपके पास खीरे हैं तो आप खीरे भी इसे चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। और हसबे जायका मैं नमक इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसमें अचार भी ऐड कर दूंगी और साथ के साथ इसमें मैं केचप भी ऐड कर दूंगी एक चम्मच। केचप डाल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार बैंगन का भुर्ता तैयार है। तो आप इसे रोटी या चावल के साथ खाएं, आपको भी ये भुर्ता ज़रूर पसंद आएगी।
अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं अचार की जगह पर। अब यहाँ पे मैं गाजर काट रही हूँ और यहाँ हो रहा था लंच का टाइम। मैं लंच के लिए जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी। शाम का टाइम मैं बच्चों के लिए नूडल्स बना रही हूँ। अगर हमारे आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।